गी महानुभाव आसमान से वर्षा बरस रही है लेकिन वर्षा ऋतु प्रारंभ होने से पूर्व भी यहां पर भले आसमान से नहीं बरस रही है लेकिन ऊंचाई से बरस रही है धर्म वर्षा जिसे कहते सतत निरंतर संघ के साधुगण धर्मवृष्टि कर रहे हैं जिस प्रकार से वर्षा अन्न उत्पादन के कारण बनती है और समय समय पर आने वाली वर्षा जो है ठीक प्रकार से अन्न का उत्पादन करती है जिससे सारा विश्व जो है अपनी भूख को मिटाता अन्न के बिना तो भूख मिटती भी नहीं है भगवान महावीर स्वामी के जो कि हमारे अंतिम तीर्थंकर थे उनके धर्म शासन में हम रह रहे हैं हमें सौभाग्य से भगवान महावीर स्वामी का धर्म शासन प्राप्त हुआ है और भगवान महावीर स्वामी के प्रथम गणधर इंद्रभूति गौतम थे ऐसे उन उनको आदि लेकर ग्यारह गणधर भगवान थे भगवान की दिव्य ध्वनि को इंद्रभूति गौतम ने श्रवण किया और उसे द्वासांग रूप में रचना की उसकी उस रचना में जो द्वासांग में बारवा अंग है उसमें अनुयोगों की कथन भी आई है जनवाणी जो है हमारी वह चार अनुयोगों में विभाजित है और चार अनुयोगों में पहला अनुयोग जो है वो योग है प्रसवानु योग में सभी लोग कहते हैं कि केवल कथा कहानियाँ हैं इसमें क्या रखा है लेकिन प्रसवानु योग जो है हमें बोधि और समाधि देने वाला है समन्तभद्र आचार्य देव ने रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ में प्रथमानियों का स्वरूप बताते हुए बोधि और समाधि का निधान कहा है उसे और निधान का अर्थ खजाना होता है बोधि का मतलब रत्नत्र होता है और समाधि का मतलब परिणामों की शांति कहते हैं परिणामों की समता को कहते हैं और बोधि रत्नत्र से युक्त जिनका जीवन होता है वे ही अपने जीवन का अंत भी समाधि पूर्वक करते हैं या कहें कि सारा जीवन उनका सुख शांति से व्यतीत होता है और अंत में वे समता की साधना को पूर्ण कर पाते हैं समता की आवश्यकता तो प्रति समय हमारे जीवन में है चाहे वो लौकिक जगत हो धार्मिक जगत हो पारिवारिक जगत हो सब में समता की आवश्यकता होती जहाँ समता होती है वहाँ पर समस्त जगत में शांति का माहौल बनता है शांति को हम स्थापित कर सकते हैं अन्यथा समता के अभाव में हम देखते हैं कि बड़े बड़े युद्ध भी हमारे धरती पर हुए हैं हो रहे हैं परिवारों में भी युद्ध होगी स्थिति बनती है परिवार बिगड़ते बिखरते हैं टूटते हैं परिवार समाज में भी यदि शांति की स्थापना नहीं रहती है समता की स्थापना नहीं रहती है तो समाज भी टूट जाता है बंधुओं वस्तु स्थिति ये है कि हमारे जैन धर्म में अनेक व्रतों की कथाएं भी आती हैं और अनेक व्रत प्रतिपादित किए गए हैं उसका एक ही कारण है कि व्रत जो है चाहे छोटा सा नियम हो या व्रत हो हमारे जीवन को उन्नत बनाने में कारण बनता है हमारे जीवन में जो अशांति है उस अशांति को दूर करके शांति प्राता है इसलिए आज वैसे बहुत बड़ा दिन है जैसा कि अभी आपने सुना त्रैलोक तीज महाव्रत है और व्रतों की श्रृंखला हमारे यहाँ बहुत बड़ी है छोटे छोटे से व्रतों को धारण करने वाले जीवों ने अपने जीवन में जो प्राप्त किया है चाहे वो भौतिक संपदा हो या आध्यात्मिक संपदा हो दोनों ही प्रकार की संपदाओं को लौकिक जीवों ने प्राप्त किया है व्रतों के माध्यम से महाव्रत यदि धारण नहीं कर सके तो कोई बात नहीं लेकिन ये छोटे छोटे व्रत भी हमारी आत्मा में वो शक्ति प्रकट करते हैं कि एक दिन हमारे भी जीवन में महाव्रतों का परिपालन होता है बंधुओं रोड़तीज व्रत जो है प्राय करके व्रतों की कथाएं जो हैं वो ये बताती है कि जब श्रावक जन भक्त जन जिनाने के दर्शन करने के लिए जाते हैं और फिर सोने में सुहागा के रूप में यदि वहाँ दिगंबर साधु के मुनिराज के दर्शन हो जाते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन को धन्य मानता है और प्राय करके जो भी कथाएँ हैं वो सेठ से रानी की या राजा रानी की कथाएँ हैं वो कथाएँ जो बच्चन बच्चे, बच्चे लोग जो पढ़ते हैं स्कूलों में वैसी कथाएँ नहीं हैं ये धर्म कथाएँ हैं और धर्म कथा हमारे जीवन में धर्म का संस्कार बनाती है उसकी ओर हमें उन्मुख करती है हमें धर्म धारण करने की प्रेरणा देती है ऐसे ही एक नगर में मुनिराज दिनालय में विद्यमान थे उपदेश चल रहा था और उपदेश भी इसी बात का था कि जीवन को हम अच्छा कैसे बना सकें अथवा उन्नति की ओर कैसे ले जा सकें मुनिराज ने उपदेश दिया धर्म धारण की प्रेरणा दी व्रतों को धारण करने की प्रेरणा दी उपस्थित समुदाय ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार अनेक प्रकार के नियम व्रत ग्रहण किए उसी धर्म सभा में सेठ सागर दत्त जो थे उनकी पत्नी भी व्रत धारण करने का मन बनाया कि भाई सब लोग ले रहे हैं क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम देखते हैं कि भाई इतनी बड़ी धर्म सभा लगी है मुनिराज उपदेश दे रहे हैं और मुनिराज का उपदेश पूर्ण होने के साथ ही सब लोगों ने धर्म श्रवण किया और धर्म श्रवण के अनुरूप वे अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए व्रत आदि ग्रहण कर रहे हैं तो स्वाभाविक शा, बात है कि कई लोगों का मन हो जाता है अभी तक तो ऐसा नहीं देखा गया उदयपुर में कि उदयपुर में धर्म श्रवण करके लोगों का मन बना हो कि भाई संघ के साधुजन इतने उपदेश इतने दिन से उपदेश दे रहे हैं तो दे ऐसी बात तो नहीं है ठीक है बहुत अधिक संख्या में नहीं किंतु थोड़ी थोड़ी संख्या में लोगों ने अवश्य व्रत धारण किए आज की कथा जो है वो तैरक के तीज व्रत की कथा है ये बात अवश्य है कि उससे कुछ खाने का संबंध भी जुड़ गया है मुनिराज ने कहा था क्योंकि सेठानी जी ने महाराज से यही कहा था कि महाराज मुझे भी एक छोटा सा व्रत दीजिए और वो व्रत ऐसा दीजिए जो साल में एक बार आता साल में एक बार आए और उसको भी मैं कुछ कुछ खा करके ही ग्रहण कर सकूं ऐसा जब उसने अपना मानस प्रकट किया तो मुनिराज सेठानी को कहने लगे कि भाई तेलोक तीज की एक बात यह है कि हमारे यहाँ तीन चौबीसी का कथन आता है चौबीसी की कथा में हमें पूजा का विधान भी दिया क्योंकि हमारे जितने भी व्रत हैं उन व्रतों के साथ उनकी कथाएं भी पढ़ी जाती हैं और भगवान की पूजाएं भी की जाती हैं उन पूजाओं में चौबीस ही भगवान के इस तैलव के तीज व्रत में चौबीस भगवान की पूजा करने का विधान बताया गया उसके साथ साथ जब सेठानी ने ये पूछा था कि मैं खा भी सकूं और मेरा उपवास भी हो जाए व्रत भी हो जाए तो वर्ष में एक ही बार तो करना है महाराज ने कहा कि भाई नीरज भोजन करना नीरज भोजन की जब बात कही जाती है तो सुनकर के लोग का मन जो है एकदम घबरा जाता है कि नीरज भोजन कैसे करेंगे मुनिराज नीरज भोजन करते हैं आप जैसा देते हैं वैसा करते हैं लेकिन कभी संकल्प ले लेकर के चले जाते हैं तो आपके घरों में जाकर के मनराज नीरज भोजन भी करते हैं नीरज आहार भी करते हैं। बंधुओं सेठानी जब घर में व्रत लेकर के पहुंची, जैसी महिमा ने उस व्रत को ग्रहण करने की बताई थी उसने अपने परिवार के लोगों को जाकर के अपने व्रत ग्रहण की बात कही तो परिवार के लोग कहने लगे कि हम तो हमारे घर में तो सब कुछ है हम तो कोमल पत्र में रखे हुए बहुत अच्छे चावल और घी शक्कर के साथ खा सकते हैं और तुम ऐसे व्रत लेकर के हो जिसमें कुछ खाने पीने की बात ही नहीं निरस भोजन करने की बात है परिवार के लोगों के द्वारा और सुव्रत के संबंध में एक प्रकार से निंदनीय शब्दों का प्रयोग किया गया था इसलिए सेठानी का मन भी बदल गए सेठ सागर दत्त जो थे उन्होंने भी अपने परिवार का साथ दिया और सेठानी का मन बदल गए व्रत के दिन उसने व्रत की निंदा के कारण उस व्रत को छोड़ दिया अब एक देखिए एक बात कि हमारे धर्म में ये बात बताई गई है आचार्य प्रवर से शांति सागर जी महाराज जिनका कि हमने समाधि दिवस कल मनाया है और तारीख के हिसाब से आज भी क्योंकि जिस दिन उन्होंने समाधि प्राप्त की थी उस दिन 18 सितंबर था यह बात अलग है कि सन 1955 था और आज 2023 है 2023 का 18 सितंबर आया है तो बंधुओं आचार्य महाराज ने अपने जीवन में अनेक व्रत ग्रहण किए उनका कहना था कि छोटा से छोटा नियम भी यदि हम लेते हैं तो उस नियम का पूर्णतया आत्मशक्ति लगा करके के परिपालन करना चाहिए व्रत भंग करना मनुष्य के लिए ठीक नहीं है त्रियंज भी जो है वे अनुव्रतों को धारण करते हैं मुनिराजों के उपदेश से और वे भी अपने जीवन में उन अनुव्रतों का परिपालन करते हैं पहली बात तो ये है कि मनुष्य जन मनुष्य जीव जो है वो इतना उदारता नहीं रखता अपने मन में कि व्रतों का परिपालन जबकि उसके हाथ पांव सब हैं त्रियंशों के पास तो कुछ भी नहीं है लेकिन उन्होंने भी व्रतों को धारण किया है शास्त्र कहते हैं कि हाथी और सिंह जैसे व्यक्तियों ने भी व्रतों को धारण किया अनुव्रतों को धारण किया तो जंगल के पशुओं ने उनके व्रतों का पालन करवाया जब हाथी तालाब के किनारे जाता पानी नहीं पीता था पत्ते उसके घास वगैरह डाला जाता तो वो नहीं खाता था तो देखा कि भाई ऐसा लगता है कुछ ना कुछ इसने व्रत धारण कर रखे तो फिर पशु उस तालाब में जाते और उस पानी को आड़ोलित कर देते क्योंकि तिरियन से पानी छान करके पीना नहीं जानता कैसे छानेगा वो वो फिर हाथी का जीव था लेकिन जब आड़ित कर दिया गया तो वो ग्रहण करने योग्य हो गया वो हाथी उस पानी को पीता था और जब सूखे पत्ते वन में जो होते थे उनको एकत्रित करके उसके सामने रखा जाता था तो हाथी वो सूखे पत्तों से अपनी भूख को शांत करता था हालांकि हाथी जैसा बड़ा शरीर जिसके पास जो धारण किए हुए था उसके लिए जंगल के सूखे पत्तों का आहार जो है भोजन जो है वो इतना भूख को शांत करने में कारण नहीं बन सकता और धीरे धीरे हाथी की समाधि हो गई तो हम तो कहा करते हैं सिंह के लिए कहते हैं कि सिंह भगवान महावीर बना हाथी भगवान पार्श्वनाथ बना ये हाथी की पर्याय अथवा सिंह के पर्याय में जीव रहे और इन्होंने जो अनुव्रतों को धारण किया उन अनुव्रतों के प्रभाव से वो स्वर्ग संपदा को प्राप्त हुए और वहाँ से आकर के आचार्य प्रवर शांत सागर जी महाराज के लिए हमने कल कहा था बड़े भारी उद्योगपति थे और उद्योगपतियों के पास अनेक प्रकार की संपदाएं होती हैं तो आचार्य महाराज के जीवन में महाव्रतों की संपदा तो थी उसके अतिरिक्त उन्होंने अपने जीवन में तप की संपदा भी एकत्रित की थी अनेक प्रकार के व्रतों को उपवासों को करके क्योंकि साधुजन तो प्रायः अधिकांश रूप में यही करते हैं कि जो व्रत ग्रहण किया जाता है या जिनमें उपवास करने की विधि होती है वही व्रत ग्रहण करते हैं तो आचार्य महाराज ने अपने जीवन में तपस्रण के माध्यम से जो तप संपदा प्राप्त की थी वो भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण हिसाब रखती है इसलिए आचार्य महाराज के जीवन को हम जब जब सुनते हैं पढ़ते हैं क्योंकि हमने देखा तो नहीं है आचार्य महाराज को आज तो शायद मेरे घर से कोई नहीं है संभव है कि जो महाराज पार्शयस सागर जी महाराज समाधि कर रहे हैं उन्होंने शायद उनके दर्शन किए हों क्योंकि छाणवे वर्ष की अवस्था उनकी है जब उन्होंने दर्शन किए होंगे बच्चे होंगे तो उन्होंने दर्शन किए हों तो किए हों बाकी जो अभी सभा में बैठे लोग हैं वो कोई भी छाती ठोक करके नहीं कह सकता कि मैंने जी महाराज के दर्शन किए तो इसलिए बंधु उनके जीवन चरित्र को हम सुनते हैं पढ़ते हैं कि आचार्य महाराज ने अपने जीवन में किस प्रकार से चारित्र का परिपालन दृढ़तापूर्वक करके और इस समाधि की साधना करके अपने जीवन को धन्य किया था